मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं बैक कैमरे से अपना ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा फ्रंट कैमरे से करती हूँ। तो मैंने सोचा कि सबको ही कहते हैं कि बैक कैमरे से ब्लॉगिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे क्रिएटिव टीम है, तो वो हमें सिखा देंगे कि कैसे बैक कैमरे से करते हैं। एक्चुअली बैक कैमरे में जब दिखता नहीं है ना, तो कॉन्फिडेंस ऊपर और ऊपर। तो बैक कैमरे में मैं दिखती नहीं हूँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इस वजह से मैं कर नहीं पाती। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगी कि बैक कैमरे से कहते हैं अच्छा वीडियो बनता है, तो मैं यहीं से करती हूँ। तो ये देखिए, एक काला सूखा काला, ये सब आप मुझे सिखाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है, और मैं तभी सीखती हूँ जब मैं घर आती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूँ, आज है 2 नवंबर और है साक्षी का बर्थडे। तो साक्षी का बर्थडे कल रात से ही शुरू हो चुका था, आप लोग ने देखा, रात में जो छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ, आज फिर से बर्थडे मनाया जाएगा। और अभी दोपहर का बज रहा है, शाम होने वाली, टाइम देख लो 4:30 बजने वाला है, और यहाँ पे हो रहा है खाना पीना। तो अभी दिन का ये हम लोग चाय नाश्ता हम लोग ने कर लिया है, और अब खाना पीना हो रहा है। तो अभी बच्चा टीम खा रही है, फिर उसके बाद हम लोग खाने वाले हैं। तो आज कोमल ने बनाया है तहरी। तो कोमल, आज रात को क्या क्या खाना बनने वाला है? तो ये देखो, बच्चे से बैठने वाले बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और छोटे छोटे बच्चों की मम्मा बैठी है बड़ी सी। तो मम्मा खाना खिला रही है अपने बेबी को। और आज से कोमल, आज से ब्लॉगिंग करोगी तुम? कोमल भी आज से ब्लॉगिंग करेगी। तो कोमल के चैनल का नाम लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो सारे लोग जाना, कोमल के चैनल को भी फॉलो कर देना भाई, ढेर सारा प्यार देना। और आज बर्थडे में क्या क्या होने वाला है साक्षी? साक्षी बिल्कुल भी काला कपड़ा नहीं पहनेगी। साक्षी काला कपड़ा पहन के एकदम काली मार नहीं, साक्षी आपकी बात थोड़ा अलग पहनेगी। वो आ जाती है हर कलर के कपड़े में, उसने बेवकूफ नहीं बना सकते। आती आती है साक्षी, साक्षी को बताना कि साक्षी कलरफुल कपड़े में अच्छी लगती है कि ब्लैक कपड़े में अच्छी लगती है, बताना आप कमेंट करके। इनको बस काले कपड़े पसंद है, लेकिन हमारे कहने पे आज इसने ये कलरफुल पहने हैं। बस हमारा हन्नू यही सब बोलता है, हन्नू की बातों को इग्नोर करना सब कोई। नहीं बोला वो, नहीं बोला सर कोमल ने, कट कर देंगे। सो फैमिली, अभी देखो, अभी मैंने अपने पति देव से बात कर ली, वो अच्छे हैं, खुश है सब कोई। और इधर चल रहा है मैच, कब का है नहीं पता, मेरे ये सारे टीम देख रही है बैठ के। और अभी सब कोई बैठे, अभी साक्षी का बर्थडे कुछ ही देर में होने वाला है, क्योंकि साक्षी के मामाज आ जाए, एक मामा अभी नहीं आया हुआ है, तो मामा आ जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपका बर्थडे? रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। मैं भी आ रही हूं। रोना तो नहीं आ रहा है आपको? सबसे बड़ा क्या होता क्रैम हो गया इनके साथ, इन्होंने बर्थडे केक में पता नहीं क्या लिखवाना चाहता, कैसे लिखवाना चाहता, अब क्या हो गया? मैंने खास जाग के उनसे बोला था ब्लैक केक है पूरा, हमने उनसे खास जाके बोला था कि ब्लैक केक है, रेड जो होता है उसमें रेड से लिखना। मैंने अपना एक उसे रेड से लिखना क्योंकि वो ब्लैक है, क्योंकि वो मैसेज ऐसा है कि वो डेंजर कुछ का है, वो इंडिकेट ऐसा कुछ करता है। अच्छा, अब उसके अंदर पीले से लिख दिया। ये है प्रयागराज, जो बोलो साला वो नहीं करेगा प्रयागराज वाले। तो पीछे के गिर भी रहा था, गिर भी रहा था, ये भी प्रयागी राज है। प्रयागराज में ऐसा ही होता है, जो बोलेगा साला वैसा नहीं होगा। कैमरे से ओ तुम साले, हमारे शहर वाले क्या करते हैं गड़बड़ सरबड़ सब सब गवार गवार। तो रिद्धि साक्षी का थोड़ा सा मूड उस वजह से थोड़ा सा खराब हुआ था अभी, चलो कोई बात नहीं साक्षी,
रेड कलर की टेस्टिंग कर देंगे। नहीं नहीं आएंगे। चलो दिखाते हैं कि साक्षी ने क्या सोचा था, क्या हुआ केक के साथ। तो ये रहा इलाहाबाद का प्रयागराज का सबसे फेमस मिठाई वाला है। मेरा केक खराब किया है। ये आपको राजरूपुर में मिलेंगे शिव वाले, उन्होंने केक को घोड़ा है। यूपी टॉप इन टाउन में जाए तो वही चले जाते, वही जाना ही चाहिए था आपको। ये तो मिठाई बेचते ही है, कब से केक बेचने लगे। नानी ले गई, हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ भी ठीक है। वाह रे वाह, तुम खुद का दिमाग को तुम्हारे क्या सजेस्ट कर रहे थे। हाँ। रुको, अच्छा। अब उसमें नानी कह रही बताओ क्या करोगी, बनवा देंगे तुम उसमें करोगी। हमने कहा कि जो आप बोले। हाँ। तो उन्होंने वो बाबू यही सजेस्ट की कि उनको करना ना पड़े, करना ना पड़े, वो उनका जो बना है वो निपट जाए। देखिए क्या भेजने के बाद ये इसमें स्माइली बना दी जो कि नहीं होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था ये मैसेज जो कि नहीं होना चाहिए था। अरे क्यूट, ये पीछे से गिर भी रहा है। क्यूट बट स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मेरा जोडियक साइन है। अच्छा अच्छा। और जो कि एक डेंजर साइन है, उसकी वजह से चाहते थे हम रेड हो, पर ये रेड नहीं है। अरे और ये पीछे से गिर रहा है। शिव वाले से हम लोगों को बहुत शिकायत है, भसरा केक बनाया है इतना काला काला केक बना के जैसे लग रहा है फफूदियाँ लगी हुई है। ये स्माइली हम हटा देंगे चाट के, उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, पर ये मेरा रेड होना चाहिए था। कोई बात नहीं, उसने कंट्रास्ट दिया है। चलो अब तुमको इसी से काम चलाना पड़ेगा, कोई ना आ जा। तो कल ही डिसाइड हो गया था। कल ही से डिसाइड है। तो अब ये देखो मामी बना रही है, उसका केक गुड़ गया है। अब साक्षी का खाना बन रहा है। साक्षी में के बर्थडे में क्या खाना बन रहा है जी? छोले भटूरे बन रहे हैं भाई। ये कल आप केक बनाएंगी? क्या बनाएंगी आप? दो तरीके के बनाऊंगी, एक में मिर्चा डालूंगी, एक में नींबू। अच्छा, छोला भी दो तरीके का बनेगा मतलब? वाह यार। और इधर ये क्या चढ़ा हुआ है? छोला। ये भी छोला चढ़ा है, ये मम्मी के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मम्मी के लिए एकदम वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी तरीके का बनेगा। और थोड़ा सा हम लोगों का वैसा है ना कि नॉन वेज वाला है, तो उनके वो इस वाले बर्तन में खा सकते हैं, क्योंकि इस बर्तन में ना नॉन वेज बन जाता है। हम हैं भैया है, दीदी है, हम जितने राक्षस गण हैं वो इसमें खाएंगे, वो इसमें खाएंगे। तो अब भाभी की ड्यूटी शुरू हो चुकी है 7:30 बजे से। अब ये बेचारी 12-1 बजे तक इसी में आपको नजर आएंगी। इनका काम यही बेचारी का, खाना बना 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 खर्च। कोमल डेकोरेशन करेगी, कोमल जा डेकोरेशन कर बैलून। हैप्पी बर्थडे जो है वो वहीं पे चिपका दो, और जो चीज नहीं हो वो बता दो, हम लेके आ जाए। ठीक है, सजावट हो रखी है दिवाली में। देखो इनकी तो सुबह से दिवाली जीते हैं, लाइट बंद नहीं, लाइट ही नहीं बंद किया है, पूरा सजावट हुई है ऐसे सुंदर सुंदर। मेरा घर देखो, वाओ 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 गाइस, देखो कितना सुंदर। देखो इसमें एक गंदा सा ट्रे का लड़की आ गई, देखो अरे इसकी लाइट और इसका ड्रेस एकदम मैच कर रहा है। जा ऊपर जाके लटक जा। ये गाइस गए थे बाहर कुछ कुछ सामान लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक लूटे, और इतना ज्यादा वॉल्यूम कर रखा था, सर में दर्द हो गया, मूड खराब हो गया। मेरे घर की तरफ होता तो केस कर देते, इतना आवाज सॉरी ना कोई कर सकता है बाहर। मैं भाई भाई बज रहा है, दिल का धड़कन हमारा। अरे नहीं यार, ये दो गृहिणी मिलके अब आटा सानेंगी। फटाफट खाना बनाओ। ये है बर्थडे गर्ल की माँ, माँ ने अपना हाथ लगा दिया, अब टेस्ट बढ़ जाएगा गाइस। जब तक माँ अपने हाथों से खाना बनाती तो बच्चों को खाना नहीं पसंद आता। और ये देखो राक्षस आ गई है गाइस, देखो गाइस, ये देखो अच्छा बच्चा, ये अच्छा बच्चा, और ये राक्षस।
फैमिली फाइनली सारे काम हो गए और अब केक कटिंग होने जा रही है। ये खून पी के आई है अभी ये केक लेके जा रही है बर्थडे का। देखो काला वो दिवस मनाने जा रही है। मेरे फूल नहीं बरसा रहे, फूल कल से जूते बरसा रहे हम लोग इसमें। चल रहा है ना मामी लोग सभी लोग आओ बर्थडे। सो फैमिली इधर देखो बर्थडे शुरू हो चुका है। तो फाइनली साक्षी का बर्थडे, अब मतलब छोटाला भाई थोड़ा सा लेट हो गया था ऑफिस से आते हुए, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो इधर बच्चों लोगों को खाना पीना खिला के शुरू हो चुका है बर्थडे। तो और ये देखो इतना सुंदर सा केक था। बस हाँ साक्षी के थोड़े से मन का नहीं था, क्योंकि उसने कुछ और ही सोचा था और कुछ और ही तरीके का हो गया। मतलब उसने सोचा था कि आपने देखा ना कि उसने कहा कि उसको रेड कलर से लिखवाना था, और ये बार बार कल से मुझे कह रही थी कि जब मैं आऊँ ना बर्थडे कार्ड आने केक के लिए तो आप ना मेरे ऊपर फूल बरसाओ। तो मेरे पास एक फूल वो भी था आर्टिफिशियल, मैंने उसके ऊपर बरसाया और फिर ये यहाँ पर भी नहीं मान रही थी, बार बार कह रही थी। तो मैं इसके साथ ना ऐसे ही कर रही थी, और मेरा ना और उसका ऐसे ही चलता रहता है फन। तो अब इधर देखो सब कोई उसको गिफ्ट पे मतलब दे रहा था, केवल इतने सारे पैसे होने वाले थे ना इसके पास, मेरी नज़र तो केवल इसके पैसे भी थी। तो फाइनली अभी केक कटिंग हो रही है और थोड़ा सा केक बसर गया था, लेकिन चलो अच्छा लग रहा था और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा था। इसने जो भी फ्लेवर बनवाया था, एक तो एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी जैसा नहीं लग रहा था कि बहुत डार्क चॉकलेट ऐसा दिखने से लग रहा था, लेकिन टेस्ट केक का बहुत बढ़िया था, ऐसा नहीं था, अच्छा नहीं था। तो इधर मम्मी का एक्चुअली कार्तिक का समय चल रहा ना, तो वो केक नहीं खाती, और मैंने इतना बड़ा सा मुँह ऑलवेज फुला रखा रहता है कि मुझे ढेर सारा केक खाना है। तो इधर मैंने केक खाया, और ये क्यों ना हो, ये तो ज़रूर से होता है। तो मैंने ढेर सारे इसके मुँह पे केक लगाया और फिर से मैंने चाटी। मैंने फिर सोचा ओहो मुँह इसने धुला था कि नहीं धुला था, लेकिन फिर चलो कोई ना बच्चे हैं। तो इधर इसने अपने भाई को केक खिलाया, जो कि इन लोगों का 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन किसी किसी तरह इन लोग पब्लिक थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं। फिर साक्षी ने सबको केक खिलाया और फिर ढेर सारा डांस पार्टी मस्ती यही हुआ। लेट बहुत हो चुका था तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। फिर इसने अपनी मम्मा को केक खिलाया और बस इसी तरीके से सबके साथ केक खाते हुए बर्थडे को इंजॉय किया हम लोगों ने। और ऐसे ही छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी हो गई हम लोगों की। हम लोग ने किसी बाहरी मतलब किसी को भी नहीं बुलाया था, घर में जितने लोग थे ना बस उतने ही लोग आए थे। वरना अगर एक रिलेटिव को बुलाएंगे ना, मतलब इलाहाबाद में हम लोगों के बहुत सारे रिलेटिव हैं, एक को बुलाओ ना तो बहुत सारों को बुलाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ने किसी को बुलाया नहीं था, बस अपने आप में ही एक दूसरे के साथ मिल बांट के कर लिया बर्थडे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना। और आगे देखो आप ढेर सारी मस्तियाँ और डांस और वेरी गुड। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।